लोकमत समूह श्री ऋषि दर्डा जी से निवेदन है कि इस मंच पर श्री राघव चड्ढा जी और अर्चना राजनीतिक दल से हैं, जिस दल ने भारत के लोकतंत्र से कहा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का थरथर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राघव चड्ढा जी से अपने सवाल करेंगी अर्चना सिंह जी, हम सबके मन हृदय में उठने वाले सवाल। अब धन्यवाद राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप यंग पार्लियामेंट के लिए शायद राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सांसद, आपकी अटेंडेंस शीतकालीन सत्र की 100%, सवाल आपने 25 पूछे, लेकिन जब इस तरह का युवा व्यक्ति संसद में जाता है तो उम्मीद बढ़ती है कि लोकतंत्र और मजबूत होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्यों लग रहा है? नहीं देखिए, जहाँ तक युवाओं की देश की राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में भागीदारी की बात है, ये तो मेरा सदैव से मानना रहा है कि इतना युवा देश है हमारा भारत देश, जहाँ पे 60-65% आबादी भारत देश की 35 साल से कम आयु की है, तो मेरे की उम्र इस साल 35 हो जाएगी। आज इतना युवा देश है तो इस देश का जो प्रतिनिधि होना चाहिए या जो शख्स, जो लोग इस देश के लोगों की आवाज़ बुलंदी से उठाएं सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर या सरकार के भीतर, वो लोग भी युवा होने चाहिए। मुझे मेरा अपना ये मानना है कि कोई 80-85-90 साल का नेता आज की युवा के जो रोज़मर्रा के जो इश्यूज हैं उससे इतना बेहतर तरीके से ना कनेक्ट कर पाए जितना एक 25-30-35-40 साल का युवा कर पाएगा। मेरे अंदर जो लोकतंत्र का और पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है वो ये मानता है कि इस देश का एक एक संस्था जो है उस संस्था को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, और ये संस्था सिर्फ सरकार के अधीन आने वाली संस्थाएं नहीं बल्कि CBI, ED, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से लेकर देश की जुडिशरी तक कॉम्प्रोमाइज़ करने का लगातार प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है, और उस चिंता को हम लगातार उठाते आए हैं, और विपक्ष को खास तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे संविधान में जब भी संशोधन किए गए, जितनी बार संशोधन किए गए, तो बहुत सारे संविधान के संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने कई बार संविधान बदलने की कोशिश करी, कई सरकारों ने करी, संविधान के उस संशोधन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसके अंदर ऑपोजिशन है, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाले 4-5 मुख्य बिंदु आज खतरे में, इसीलिए मुझे लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो बाहर जाकर कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्या मंच सही विरोध हो सकता है? आपको, आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मंच क्या है ये भी सोचना तय करना जरूरी है। देखिए, किसी भी दूसरे देश जाकर फॉरेन सॉइल पर देश के बारे में या देश के खिलाफ टिप्पणी करना कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक विषय, मुझे भी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में जाकर वहाँ पे अपनी पंजाब सरकार का और एक यंग ग्लोबल लीडर के खिताब के तहत वहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उनसे भी वहाँ पे कई राजनीतिक सवाल पूछे गए, मैंने राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन इसमें दो मुख्य चीज़ें, मापदंड सबके लिए समान होना चाहिए। अगर राहुल गांधी के लिए वो बयान देना गलत ठहराया जा रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी बतौर प्रधानमंत्री भी जब कनाडा गए, जब कोलंबिया गए और दुनिया जहां के देशों में घूमे, तो जाकर पुरानी सरकारों की, पुरानी व्यवस्था की और विपक्ष की जो राजनीति रही है देश की, उसकी खूब निंदा करें। मुझे लगता है कि जो मापदंड प्रधानमंत्री जी के लिए होने चाहिए वही विपक्ष के नेता सही लगता है। मैंने तो कहा, बताया ना कि मैं बतौर सांसद जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गया, मुझसे राजनीतिक सवाल पूछे गए, मैंने जवाब नहीं दिया। हालांकि दो अलग अलग चीजें हैं, भारत देश अलग है और भारत देश की राजनीतिक पार्टियां और उनकी चाल चरण चरित्र अलग है, आपको इन दोनों को भेद करना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया का क्रिटिसिज्म करना या उनके खिलाफ कोई बयान देना भारत देश के खिलाफ बयान नहीं है। नहीं, ये बात एक बड़ी बारीक लाइन है,
जिस लाइन को वो एक लक्ष्मण रेखा है जिसका पालन सभी को करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज अगर कोई भी नेता विदेश में जाकर कोई बात रखता है तो समानता से उसके बयान का पूरा विश्लेषण होना चाहिए, ना प्रधानमंत्री जी को, ना राहुल गांधी जी को, ना किसी और नेता को, ना हमें। भारत देश के बारे में कोई भी खराब टिप्पणी विदेश में जाकर करनी चाहिए। अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सदन में, सदन के बाहर बोलिए, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं। आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के हीरो रहे हैं आप। पंजाब के बारे में आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी, इतने कम समय में इतनी कामयाबी हासिल की, बीजेपी और कांग्रेस के बाद शायद आपकी ही पार्टी जिसकी दो राज्यों में सरकार है, लेकिन वो सरकार, वो पार्टी किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में इतनी बुरी तरह घिर गई कि एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं और कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पा रही है। वो इसलिए है क्योंकि मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा है आम आदमी पार्टी को खत्म करना, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल को खत्म करना। आज इस देश में दो प्रकार के कानून हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लड़ाई। आज से शायद 20 दिन पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए के घर पे 8 करोड़ रुपए नकद राशि भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा गया एजेंसियों द्वारा। एजेंसियों ने बीजेपी के उस एमएलए को अरेस्ट नहीं किया, उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं किया, और कोर्ट में जाकर उसको एंटिसिपेटरी बेल दिलवाकर बरी कर दिया, और वो पूरा रोड शो निकालते हुए हजारों लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ उन्होंने ढोल नगाड़े पीटे। यह है एक कानून। दूसरा कानून, मनीष सिसोदिया पर पानी पी पी के बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनके घर पर रेड हुई, सीबीआई ईडी ने रेड करी, 1 रुपया नहीं मिला। उनके पैतृक गांव पे रेड करी, उनकी सारी संपत्ति खंगाल डाली, 1 रुपया नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर पे रेड करी, 1 नया रुपया नहीं मिला। उनकी बीवी के जेवरात से लेकर सारी संपत्ति खंगाल डाली, 1 नया पैसा नहीं मिला। लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में है और वो बीजेपी का विधायक सरेआम घूम रहा है, लोगों के बीच जा रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। इसी के मैं कहता हूं, मैं एक आपको उदाहरण, मैं आंकड़ों का जानकार हूं, मैं आंकड़ों की बात करता हूं, फैक्ट्स दूंगा आपको। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई 2014 से लेकर 2022 अंत तक, करीब 8 साल, सीबीआई ने जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। 95% ऑफ द ओवरऑल केसेस फाइल्ड बाय द सीबीआई आर अगेंस्ट लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये भारत में विपक्ष को खत्म कर दो, ये वो लड़ाई है। और मैं आखिरी चीज बस ये कहूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा, आप हमसे हमेशा सवाल पूछते हैं, आज मैं आपसे पूछता हूं, हमारे दो मंत्री जेल में, सारे राजनीतिक दल सवाल पूछने हैं से, हमारे काम हो गया है। अर्चना जी, हमारे दो मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन वो शख्स जिसने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक दी, अस्पताल शानदार बनाया, और मनीष सिसोदिया जिसने 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य बदल दिया। ये दोनों शख्स अपने आप में संस्थाएं, इंसान नहीं है, संस्था है। आज अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या उनके खिलाफ ये सारी जांचें रुक जाएंगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे, हाँ या ना? नहीं, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, मैं कैसे? आप मुझे बताइए। मैं उदाहरण देता हूं, असम के बहुत बड़े नेता हैं, उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, हेमंत बिस्व शर्मा। जब कांग्रेस पार्टी में थे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, सारी जांचें बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी में हुआ करते थे बंगाल में, शारदा चिटफंड स्कैम के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, बीजेपी ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ करी, खूब आरोप लगाए, सीबीआई ईडी ने मुकदमे दर्ज कर दिए। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, ना सीबीआई ईडी ने कोई जांच उसके बाद करी, Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है बंगाल में और पूरे देश में सरेआम घूम रहे हैं। ऐसे में आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। तो ये लड़ाई जो है अर्चना जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, विपक्ष के आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। बीजेपी डरती है अरविंद केजरीवाल से, इसलिए अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, ये लड़ाई। इसमें 2-3 सवाल है मेरे, लेकिन उससे पहले साथ की आपने बात की तो आपने कर्नाटक के विधायक का जिक्र किया, तो उनके बेटे पकड़े गए थे रंगे हाथ घूस लेते हुए, तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया, और कोर्ट से अगर किसी को जमानत मिलती है
तो इसमें किसी पार्टी या किसी सरकार का क्या रुख हो सकता है? दूसरी बात, आपने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की बात की, दोनों को कोर्ट ने जमानत नहीं दी, कोर्ट ने ईडी और सीबीआई का वहीं तक रोल था, या सरकार का आप मान लीजिए, आप कह रहे सरकार के दबाव में काम कर, सरकार का रोल वहीं तक था जब तक वो एजेंसीज के दबाव में थी, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपको अदालत से राहत नहीं मिली? इस देश में इस सरकार ने और पुरानी सरकारों ने एक कानून बनाया, जिस कानून के तहत एक कॉन्सेप्ट लाया गया प्री ट्रायल अरेस्ट। देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होती, आपने कोई अपराध किया, आप पर मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, आपने अपने सबूत दिए, प्रोसिक्यूशन ने अपने सबूत दिए, और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अंत में अगर आपको सजा दी तो आप जेल जाओगे। आज इस देश में कानून व्यवस्था यह बनाई गई है कि कोर्ट ने अभी सजा किसी को नहीं दी, अभी तो आप आरोपी हैं, मनगढ़ंत फैक्ट्स पे आरोपी हैं, लेकिन आपको ये कोर्ट की पूरी कार्रवाई से पहले ही जेल में डाल देंगे क्योंकि जांच करनी है। ये प्री ट्रायल अरेस्ट जो है ये बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि किसी को जेल नहीं हुई है, ये जबरदस्ती रिमांड में लिया गया है पूछताछ के लिए, नंबर एक। नंबर दो, आप ईडी सीबीआई दो दिन के लिए हमें दे दीजिए और देखिए फिर क्या जलवा है हमारा, दो दिन के लिए दे दीजिए। तीसरी चीज, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कहा करते थे कि सीबीआई से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज संस्था कुछ नहीं है, उस समय उन्होंने नाम दिया था सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सीबीआई का मतलब कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज सीबीआई ईडी क्या है? वो सही कहते हैं, वो एक जो नेता वो कहते हैं कि बीजेपी के तीन जमाई, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। पंजाब से आते हैं, पंजाब की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिस तरह से पंजाब में खाने को घेर लिया गया, उसके बाद उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इतने सेंसिटिव स्टेट को लेकर आप लोगों का जो तरीका उसको हैंडल करने का वो शायद ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, देखिए पंजाब में जब हमारी सरकार बनी तो हमें विरासत में बहुत कुछ मिला, 4 लाख करोड़ का कर्जा मिला, खराब बद से बदतर होती कानून व्यवस्था मिली, गैंगस्टर और गैंग कल्चर मिला, अपराधियों की एक पूरी पॉलिटिकल पेट्रनेज से चल रही इंडस्ट्री हमने इनहेरिट करी, ये सारी चीजें हमें विरासत मिली और एक एक करके हम इन सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पंजाब की आने वाले समय में ऐसी बनाएंगे कि देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोल मॉडल बनेगा हमारा पंजाब। एक, दो, पंजाब की अमन प्यार शांति भाईचारा हम सबको बहुत प्यारा, हम सब ने खूब खून बहाया है, हमारे पुरखों के खून बहे, हमारे बड़े बुजुर्गों के खून बहे, कई परिवार खत्म हो गए, जनरेशन खत्म हो गई पंजाब में अमन प्यार शांति को कायम करने के, ये हमें अमन प्यार शांति अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। पंजाब की अमन प्यार शांति भाईचारे से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, सख्त कार्रवाई होगी और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे। चलिए, यही उम्मीद है और इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र मजबूत होगा तो हम सब सुरक्षित होंगे और हम सब शायद जिसकी आप उम्मीद करते हैं अपनी बात खुल के बोल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, लोकमंच के मंच का बहुत बहुत शुक्रिया, दरकार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे देर हो गई तो हम लोग तो यह कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती कि सदन चले। और विपक्ष क्या मांग रहा है? विपक्ष यही मांग रहा है कि जेपीसी का गठन हो, घोटालों की जांच हो, और विपक्ष के खिलाफ जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है उसे बंद किया जाए, उस पर कम से कम चर्चा तो हो सदन के भीतर, लेकिन ये लोग डिस्कशन भी नहीं चाहते। और बेतुके इश्यूज लाकर पहली बार देखा जा रहा है कि सरकार ही खुद हाउस डिसरप्ट करके हाउस एडजर्न करा देती है। विपक्ष ने नहीं एडजर्न कराया था कल सदन, सरकार ने खुद शोर मचाकर सदन को एडजर्न करा दिया, तो सरकार की मंशा ही नहीं है
कि पार्लियामेंट चले, बहस हो, कानून बने और देश के लोग देखें कि देश के लॉ मेकर्स क्या चर्चा करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या विषयों पे अपनी बात रखते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, LIC, CBI जैसे, SBI जैसे बड़े बड़े संस्था, उन पे जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है, उनकी कैपिटल इवेपोरेट हो रही है, ये अहम मुद्दे हैं। किसी विपक्ष के एक नेता ने कौन से देश में जाकर क्या बयान दे दिया, वो मुद्दा है इस देश को। मुझे पूछिए, आप बताएं कौन सा आज शख्स है जिसे इस बात की परवाह भी है कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या बयान दिया। लोगों को ये चिंता है कि मेरी रसोई कैसे चलेगी, मेरे बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी, मेरे बच्चे के जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो कौन से कॉलेज में मैं दाखिला कराऊंगा, कॉलेज की फ़ीस कहाँ से आएगी। ये लोगों के जीवन के, रोज़मर्रा के जीवन के मुद्दे हैं। नेताओं को, लॉ मेकर्स को इन विषयों पर बात करके इसका समाधान देना चाहिए, ना कि किस नेता ने कौन से देश में जाकर क्या बोल दिया। अगर बयान ही उठाने हैं